हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू भरतपुर राजस्थान से। ये देखिए, मैं आपको आज अपना 4 o'clock दिखाती हूँ। इसमें एक तो सिंपल वाला आता है जिसमें पिंक कलर होता है, रानी कलर जिसको बोलते हैं, है ना। वो एक ये वाला है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी खुशबू होती है, मोगरा से भी ज़्यादा, देखो। और इसमें बहुत सारे शेड आते हैं, देखो। एक एक ही प्लांट की टहनियाँ पकड़ रही हूँ मैं, देखो। ये देखो, इसका अलग कलर है ना। इसमें देखो, दो इसका ये कलर देखो, ऑरेंज। ये देखो, इतने सुंदर सुंदर कलर आते हैं इसमें। और केयर बस इसकी वही है, जैसे सिंपल वाली हम 4 o'clock लगाते हैं ना, वैसे ही इसमें काली मिर्च के जैसा सीड बनता है, बस उसी से इसकी प्रोपेगेशन हो जाती है, जड़ से भी हो जाती है। इसमें जड़ में गांठ सी निकलती हैं, जैसे अभी अपन गमले की मिट्टी को बाहर निकाल के जड़ को अलग अलग करेंगे ना, तो उसमें गांठ सी निकलती है, वो गांठ में से भी फूट के इसमें फिर से निकल आती है। देखो कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है ना इसमें, ऐसे भर भर के फूल आते हैं इसमें रोज़ाना। और कोई केयर नहीं है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है ये मेरा। देखो, ग्रो बैग में ही लगा हुआ है, कोई फर्टिलाइज़र वगैरह कोई एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ इसमें। बस जैसे मैं गमले भरती हूँ कि नीचे के ये सारा गार्डन का वेस्ट भर देती हूँ मैं, और उसी में ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के ये प्लांट लगा देती हूँ। देखो इतने प्यारे प्यारे कलर इसमें आ रहे हैं, बहुत सुंदर। और ये शाम को 4 o'clock इसलिए बोलते हैं इसको, गुलाबहास भी बोलते हैं इसको, शाम को सही 4 बजे इनके फूल खिलना शुरू हो जाती है। और सुबह जब तक इन पे सूरज की किरणें पड़ती हैं ना, तब धीरे 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 ये बंद हो जाती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।